दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है, एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट। वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी हिस्ट्री की यूनिट सेकंड, द गुप्ताज एंड वकटाज, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर एंड आर्ट का पार्ट टू। गाइस अगर आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। द माइथ ऑफ गोल्डन एज। माइथ इसका मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में हम कहते हैं मिथक, यानी कि काल्पनिक कथाएं, यानी कि जो इमेजिन की जाती हैं। द मेन कैरेक्टर इन माइथ्स आर यूजुअली गॉड्स, डेमी गॉड्स और सुपर नेचुरल ह्यूमन्स। जो ये माइथ में जो भी कथाएं वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं उसकी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं जैसे भगवान, डेमी गॉड्स यानी कि जो देवता, देवी देवता वगैरह होते हैं वो, और सुपर नेचुरल ह्यूमन्स यानी कि कुछ ऐसे इंसान जिनमें कुछ पावर वगैरह होती है इस टाइप से। क्योंकि ये तो एक माइथ है ना, मतलब माना गया, ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हम यही गोल्डन एज के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इन एंशियंट इंडिया गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज। गोल्डन एज माना जाता था एंशियंट इंडिया में गुप्ता पीरियड को। इन दिस एरा पॉलिटिकल हिस्ट्री बेस्ड ऑन इंस्क्रिप्शन कॉइंस एक्सेट्रा। इस एरा में, इस युग में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, जो राजनीति थी, वो किस पर बेस्ड थी? इंस्क्रिप्शंस और कॉइंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियंस हु एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ गोल्डन एज। एक्सपाउंडेड यानी कि व्याख्या, जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने गोल्डन एज की जो व्याख्या करी है। सजेस्टेड दैट द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ रीच अ पीक ऑफ एक्सीलेंस। मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति, यानी कि बहुत अच्छा उस टाइम पे। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने व्याख्या करी है गोल्डन एज की। उन्होंने एक्सप्लेन करा है, ये बताया है कि जो गुप्ता पीरियड जो टाइम था ना, उस टाइम पर जो लाइफ थी लोगों की, किसी एक अभिव्यक्ति की, यानी कि जो लोग थे उनकी जब लाइफ थी ना, वो बहुत अच्छी थी। पीक यानी शिखर पर थी, यानी कि सब कुछ अच्छा था उस टाइम पे उनके लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द गुप्ता पीरियड वॉज सिलेक्टेडली लार्जली बिकॉज ऑफ इम्प्रेसिव लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत एंड द हाई क्वालिटी ऑफ आर्ट। जो गुप्ता पीरियड था वो बहुत इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावशाली था। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे जो लिटरेरी वर्क्स थे ना, जितने भी वर्क्स होते थे संस्कृत में, वो हाई क्वालिटी आर्ट थी उस टाइम पे। मतलब जो लोग आर्ट करते थे, जो जितने भी कलाकार थे, कारीगरी होती थी, वो बहुत हाई क्वालिटी की थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा, द गुप्ता पीरियड वॉज व्यू एज अ ब्राह्मणिकल रेनेसेंस। रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा से जो चीजें होती हैं। गोल्डन पीरियड वॉज डिस्क्राइब एज हाई कल्चर। जो गुप्ता पीरियड है उसे देखा गया व्यू, यानी कि किस वे में, किस तरीके से देखा गया है, उसे देखा गया है ब्राह्मणिकल रेनेसेंस के जैसे, यानी कि उसका जो पुनर्जागरण किया गया, उसको दोबारा से ध्यान से देखा गया गुप्ता पीरियड को। और जो गोल्डन पीरियड है उसे डिस्क्राइब किया गया हाई कल्चर के, उससे यानी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो गोल्डन पीरियड को हाई कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गोल्डन एज रिफ्लेक्टेड द लाइफ ऑफ द वेल्थी एंड देयर एक्टिविटीज अलोन करेक्टराइज सच एन एज। जो गोल्डन एज है वो रिफ्लेक्ट करता है, ये दर्शाता है कि जो लाइफ थी ना लोगों की, वो बहुत वेल्थी थी, यानी कि समृद्ध थी, यानी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ थी। और जो उनकी एक्टिविटीज थी वो भी सबकी अपनी अपनी थी उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन एंशियंट इंडिया हिस्ट्री देयर आर एट लीस्ट थ्री एपॉक्स व्हेन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस अचीव इम्प्रेसिव स्टैंडर्ड्स। जब हमारा एंशियंट इंडिया की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें कम से कम तीन एपॉक्स, यानी एपॉक्स यानी कि जो अवधियाँ होती हैं, यानी कि जो काल चलते आ रहे होते हैं, वो उस टाइम पे जो आर्टिस्टिक यानी कि कलाकृतियाँ थी, यानी कि जो कला वगैरह की जाती थी, और जो लिटरेरी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस था, यानी कि जो भी लिटरेरी वर्क्स थे, वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड पे थे, यानी कि बहुत अच्छे थे, इम्प्रेसिव थे, कि देख के बहुत इम्प्रेसिव लगती थी वो चीज़ें, क्योंकि जो कला थी वो बहुत बारीकी से हर चीज़ की जाती थी।
ठीक है, आगे है द थ्री एपॉक्स आर, जो तीन जो अवधियां थी वो कौन सी थी गोल्डन एज के टाइम, उस टाइम पे द पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता पीरियड, द चोलाज एंड द मुगल्स, ये उस टाइम पे तीन एपॉक्स थे, अवधियां थी। आगे है हमारा द कल्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज नॉट लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, जो कल्चर जो संस्कृति थी गुप्ता पीरियड की वो लिमिटेड यानी कि सीमित नहीं थी नॉर्थ इंडिया तक। द डेक्कन शोज द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स कल्चर, डक्कन में भी इसके एग्जाम्पल्स देखे गए थे, मतलब वहां से भी हमें ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जैसे हमें पता चलता है कि जो सब था वो वहां पर भी था, डक्कन में भी डेवलपमेंट देखने को मिला था हमें कल्चर से रिलेटेड। उसके बाद है हमारा मोर एक्यूरेट एविडेंस फ्रॉम आर्कोलॉजिकल सजेस्ट दैट द लाइफ स्टाइल ऑफ मोस्ट पीपल वॉज कॉमन इन गुप्ता पीरियड, जो हमें एविडेंस मिलते हैं आर्कोलॉजी सोर्सेज से जो भी हमें पता चलता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइफ स्टाइल थी ना उस टाइम पे लोगों की वो बहुत कॉमन थी गुप्ता पीरियड में, सब कुछ कॉमन था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आम लोग हैं उसी तरीके से थी लाइफ स्टाइल। न्यू आर्टिस्टिक फॉर्म्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द प्री गुप्ता इन नॉर्थ इंडिया सच एज दूस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड ऑल्सो फाउंड पैरेलल्स इन अदर रिलीजियस सेक्ट्स विद द राइटिंग टेक्स्ट ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। न्यू आर्टिस्टिक्स यानी कि जो भी कलाकृतियाँ थी यानी कि उस टाइम पे जो भी कलाएँ होती थी जो लोग करते थे उसकी एक नई शुरुआत हुई थी, इनिशिएटेड यानी कि शुरू की थी प्री गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो कलाकृतियां थी उनकी एक नई शुरुआत हुई थी प्री गुप्ता टाइम पीरियड में। एसोसिएटेड यानी कि संबंधित थी, जो कि किससे संबंधित थी बुद्धिज्म से संबंधित थी और अलग दूसरे जो रिलीजियस सेक्ट्स थे मतलब और भी, सिर्फ बुद्धिज्म तो नहीं था ना उस टाइम पे और भी जो रिलीजियस धार्मिक चीजें थी वो सब उन सब के बेस पे जो कलाकृतियां थी उसकी शुरुआत हुई थी। विद दी राइटिंग टेक्स्ट ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे कि हम वहाँ पे ये भी मिला है कि जो राइटिंग टेक्स्ट से हमें पता चला है कि जो रिलीजियस सेक्ट्स थे उसके बारे में, जो भी आर्टिस्टिक वहाँ पे हुआ उन सब के बारे में राइटिंग टेक्स्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट से देखने को मिला है। उसके बाद हमारा द एक्सकेवेटेड साइट इंडिकेट्स दैट द एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड मे हैव बीन बेटर इन द प्री गुप्ता पीरियड, एक्सकेवेटेड यानी जब वहाँ की साइट्स पे जो खुदाई की गई जब वहाँ पे देखा गया तो उसे ये पता चला जो एवरेज यानी कि जो औसत जो लोगों का रहन सहन था वो बेटर हो गया था प्री गुप्ता पीरियड में, प्री गुप्ता टाइम पीरियड पे जो लोगों का रहन सहन था वो बेटर हो गया था जब, क्योंकि हमने वहाँ की जो साइट्स थी वहाँ पे जब खुदाई की गई तो इस चीज़ जब खुदाई करने पे जो हमें वहाँ से सोर्सेस मिले जो इतनी भी चीज़ें तो उससे हमें ये चीज़ें पता चली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अर्ली गुप्ताज, नॉट मच एविडेंस फाउंड अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी उस वंश के बारे में, गुप्ता वंश के बारे में। इट वॉज थॉट दैट द फैमिली रूल्ड अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन मगध, सिर्फ ये पता चलता है कि जो गुप्ता फैमिली है उसने रूल यानी कि शासन किया था मगध पर। ठीक है, आगे हमारा बट रीसेंट ओपिनियन सपोर्ट्स दैट द वेस्टर्न गंगा प्लेन एज अ बेस, लेकिन जब हम कुछ रीसेंट ऐसे ओपिनियंस हैं सपोर्ट हैं लोगों के जो कहते हैं कि जो वेस्टर्न गंगा प्लेन यानी कि जो गंगा का जो पश्चिमी मैदान है वेस्टर्न साइट है वो इनका बेस था यानी कि वहां से इन्होंने शुरुआत करी थी। आगे हमारा द नेम कुड इंडिकेट दैट दे वर ऑफ द वैश्या कास्ट बट सम हिस्टोरियंस अकॉर्ड दैम ब्राह्मण स्टेटस बिकॉज द पावरफुल गुप्ता मैरिड टू वकटक डायनेस्टी हु वर ब्राह्मण्स, ये इंडिकेट किया गया, ये कहा गया है कि जो गुप्ता थे ये इनकी जो कास्ट थी वो वैश्या थी, लेकिन बाद में जो हिस्टोरियंस थे इतिहासकार अकॉर्ड यानी कि उन्होंने ये सहमति जताई है इस चीज पर कि इनका जो स्टेटस था ना वो ब्राह्मण था, क्योंकि इन्होंने जो ये पावरफुल गुप्ता थे इन्होंने शादी किससे करी थी, इनकी इनके वंश में जो शादी थी वो हुई थी वकाटक डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में की जो शादी हुई थी वो वकाटक डायनेस्टी के उससे हुई थी जो कि ब्राह्मण थे, इसलिए इन्हें ब्राह्मण भी कहा गया है। फिर है हमारा सम स्कॉलर्स ऑल्सो से दैम टू क्षत्रिया, कुछ जो स्कॉलर्स जो विद्वान ज्ञानी लोग थे वो इन्हें क्षत्रिय भी कहते थे क्योंकि दे मैरिज रिलेशन आर विद लिच्छवी एंड दे बिलोंग टू क्षत्रिय, क्योंकि इनके जो मैरिज जो शादी के जो रिलेशन थे वो इनके लिच्छवी से थे, लिच्छवी से भी थे तो लिच्छवी जो थे वो क्षत्रिय थे इसलिए इन्हें क्षत्रिय भी कहा।
फॉर नोइंग गुप्ता पीरियड देयर आर टू सोर्सेस। गुप्ता पीरियड को जानने के लिए दो सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। अब जब हम लिटरेरी सोर्सेस को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलते हैं जो सोर्सेस, विष्णु पुराण और वायु पुराण, हमें इसमें पुराण मिलते हैं। और जब हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में देखते हैं तो हमें इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, स्कल्पचर, इन चीज़ों से पता चलता है गुप्ता पीरियड के बारे में। ठीक है, अब हम करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिनका रूल, जो इन्होंने शासन किया था वो था इनका 319 से 335 AD तक। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये हमारे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद है ही मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस इन ऑल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम नेपाल। इन्होंने शादी करी थी लिच्छवी की राजकुमारी से जो कि नेपाल से बिलोंग करती थी। विच स्ट्रेंथ हिज पोजिशन ऑन एस्टैब्लिश गाना सांगा ऑफ नॉर्थ बिहार, जिसकी वजह से इस्टैब्लिश यानी कि स्थापना हुई थी इनकी पोजिशन की। कहाँ पे? गाना सांगा, नॉर्थ बिहार में एक जगह है गाना सांगा जहाँ पे इनकी पकड़ मजबूत हुई थी। हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर द गंगाज हर्टलैंड। इन्होंने शासन किया था गंगा हार्टलैंड की जगह पर जो कि थी मगध, साकेत, प्रयाग, यहाँ पर भी इनका शासन था। एंड टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज, जिसकी वजह से इन्हें ये टाइटल मिला था। जब इन्होंने इन जगहों पर शासन किया तो इन्हें टाइटल मिला महाराजा अधिराज का। ऑल्सो दिस कीज्ड टू हैव मच सिग्निफिकेंस सिंस इट वॉज नाउ यूज बाई मैनी रूलर्स मेजर एंड माइनर्स। ऑल्सो यानी कि हालांकि कीज्ड रह गए, यानी हालांकि ये देखा गया कि जो सिग्निफिकेंस, जो महत्व था ना इस टाइटल महाराजा अधिराज का, वो अब जो नॉर्मल जो रूलर्स थे ना, जो राजा थे वो चाहे बड़े हों छोटे हों, वो भी यूज करने लगे थे इस टाइटल को। द डिटेल्स ऑफ द मैरिज फैमिली ऑफ चंद्रगुप्त आर ऑब्टेन फ्रॉम गोल्ड कॉइन्स। जो चंद्रगुप्त की जो मैरिज, जो शादी थी, उसकी डिटेल हमें मिलती है किस चीज़ से, जो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे उससे। आगे हमारे समुद्रगुप्त, जिन्होंने रूल किया था 335 से 375 AD तक। समुद्रगुप्त क्लेम दैट ही वॉज अपॉइंटेड बाय हिज फादर टू सक्सीडेड हिम अबाउट 335 CE। समुद्रगुप्त हैं क्लेम्ड, यानी कि वो दावा करते हैं, उनका ये मानना है कि उनके जो पिता थे, फादर थे, उन्होंने ही उन्हें अपॉइंट किया था, उन्होंने ही उन्हें राजा बनाया था 335 CE। अब हमारा अशोकन पिलर नाउ एट अलाहाबाद अ लेंथी यूलॉजी ऑन हिम एज इंस्क्राइब्ड एंड विच प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन हिज रीजन। जो अशोकन पिलर है जो कि अब अलाहाबाद में आता है, वो एक लेंथी यूलॉजी है, यानी कि प्रशंसा कहेंगे या भाषण कहेंगे या यूलॉजी को हम, जो ये बताता है हमें, मतलब बहुत लेंथी है उसकी जो प्रशंसा जो समुद्रगुप्त की गई है वो अशोकन पिलर पे की गई है, वो बहुत लेंथी है यानी कि बहुत लंबी है। वो ये है कि इंस्क्राइब यानी कि अंकित किया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में अंकित किया गया, वहाँ पर लिखा गया है, जिसकी वजह से उसका जो रीजन है, जो उसका शासनकाल है, उसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे, अशोकन पिलर से, जो कि अलाहाबाद में है अब। हिज कोर्ट पोएट हरिसेना रोट अ इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति। जो उनके कोर्ट पोएट, जो दरबारी कवि थे हरिसेना, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा प्रयाग प्रशस्ति। फिर आता है हमारा अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त कॉल्ड हिज सन समुद्रगुप्त अ नोबल पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर्स एंड अपॉइंटेड हिम टू प्रोटेक्ट द अर्थ। जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को एक नोबल पर्सन कहा था, कि वो कितने काबिल हैं, और किस सबके सामने कहा था, कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों के सामने उन्होंने ये बात रखी थी, जिसकी वजह से ही उन्हें ये भी कहा गया कि ये अर्थ जो हमारी पृथ्वी है ना उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट समुद्रगुप्त एम, जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो ये बताता है कि समुद्रगुप्त का एम यानी कि लक्ष्य था एट यूनिफिकेशन ऑफ द अर्थ, एकीकरण करना, जो हमारी अर्थ है पृथ्वी पे जो जितने भी लोग हैं उन सबका एकीकरण करना, एंड एस्पायर टू बिकम अ चक्रवर्ती अ यूनिवर्सल रूलर। एस्पायर यानी कि वो कांक्षी थे, यानी कि वो बनना चाहते थे चक्रवर्ती रूलर, यानी कि जो पूरे यूनिवर्स पर शासन करता हो, जिसका शासन हो। ठीक है, आगे है हमारा समुद्रगुप्त गेव पैट्रॉन्स टू आर्ट एंड लिटरेचर। समुद्रगुप्त थे जो वो संरक्षण यानी कि उन्होंने बचाया था, पैट्रॉन्स किया था आर्ट और लिटरेचर को। हरिसेना मेंशन हिम एज अ लर्न एंड बेस्ट ऑफ पॉइंट्स। हरिसेना ने ये मेंशन किया है, उन्होंने ये बताया है प्रयाग प्रशस्ति में कि जो समुद्रगुप्त थे वो बेस्ट पॉइंट थे, बहुत अच्छे कवि थे। फिर आता है हमारा समुद्रगुप्ताज एरान इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ अ विष्णु आइडल इन अ टेम्पल। जो समुद्रगुप्त का एरा था, जो इनका युग था, उसमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें इंस्टॉलेशन यानी कि स्थापना की गई थी उस टाइम पे, तो उस समय ये पता चलता है उन इंस्क्रिप्शन से
कि उस टाइम पीरियड में जो विष्णु को आइडल माना गया था, जिनकी मंदिर टेंपल यानी कि मंदिरों में उनकी स्थापना की गई थी, विष्णु भगवान, द नालंदा एंड गया इंस्क्रिप्शन मेंशन हिम एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, जो नालंदा और गया इंस्क्रिप्शन है उसमें ये मेंशन किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो डिवोटी यानी कि भक्त थे विष्णु जी के। फिर है हमारा समुद्रगुप्त ऑल्सो डू टू द अश्वमेधा सेक्रीफाई, जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ। नाइन ऑफ अलियर गाना संघाज इन राजस्थान इंक्लूडिंग द एज ओल्ड मालवाज एंड यदुशेज वे आर फोर्स टू एक्सेप्ट गुप्ता सुजर्निटी। जो गाना संघाज जो राजस्थान के पास में और जो मालवाज और यदुशेज हैं, इन्हें फोर्स किया गया था गुप्ता सुजर्निटी यानी कि जो अधिपति है जो शासन था गुप्ताज का उसको मानने के लिए। इन एडिशन मोर डिस्टेंट रूलर सच एज दी देवीपुत्रा शान शुशानी द सन ऑफ हेवन किंग ऑफ किंग्स क्लियरली अ कुशान टाइटल। अगर हम एक्स्ट्रा में देखते हैं कि जो हमारे डिस्टेंट रूलर्स जो थे जैसे कि देवीपुत्रा, ये सन थे बेटे थे हेवन किंग ऑफ किंग्स राजाओं के राजा, जिसकी वजह से इन्हें क्लियरली जो टाइटल है वो कुशान टाइटल मिला है। द शाकाज एंड द किंग ऑफ सिन्हाला ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट, जो शाकाज हैं और जो किंग हैं श्रीलंका सिन्हाला, सिन्हाला यानी कि जो श्रीलंका है वो भी ट्रिब्यूट पे करते थे, ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि देते थे। अब हमारा चंद्रगुप्त सेकेंड जिन्होंने रूल किया था 380 से 413 AD तक, द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड सॉ द हाई वाटर मार्क ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन काल था रीजन था वो देखा गया है बहुत हाई वाटर मार्क यानी कि छाप छोड़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड अपने गुप्ता एम्पायर पे। चंद्रगुप्त सेकंड एस्टैब्लिश मैरिज अलायंस, जो चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने स्थापना करी थी मैरिज अलायंस, अलायंस यानी कि संबंध की, शादी के जो संबंध है उसकी, एंड कॉन्क्वेस्ट विद द मेजर कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय की मेजर प्रमुख तीन डायनेस्टीज में अपने टाइम पे। चंद्रगुप्त सेकंड ने स्थापना करी थी मैरिज अलायंसेस और कॉन्क्वेस्ट यानी कि शादी के संबंध और विजय की प्रमुख तीन डायनेस्टीज में। तो वो तीन थी हमारी नागा डायनेस्टी, वकाटक डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी। तो जो नागा डायनेस्टी थी वो तो प्रिंसेस कुबेरा देवी थी, ठीक है, जिनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त सेकंड से। वकाटक डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्त की डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उनकी शादी हुई थी वकाटक डायनेस्टी के प्रिंस से। और जो कदम डायनेस्टी थी हिस्सन कुमार गुप्त, जो चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे कुमार गुप्त, उनकी शादी हुई थी कदम डायनेस्टी में इस वंश में। फिर हमारा राम गुप्त डिफीटेड इन द बैटल बाय द शाकाश, राम गुप्त डिफीटेड यानी कि हारा हुआ राजा था किसे, शाकाश से हार गए थे। टू होम ही देन एग्रीड टू सरेंडर हिज वाइफ दूरा देवी, जिसकी वजह से उन जो राम गुप्त थे उन्हें अपनी वाइफ को देना पड़ रहा था शाकाश को, क्योंकि वो अपनी वाइफ को हार गए थे पत्नी को। हिज यंगर ब्रदर चंद्रा वॉज इंसेंस्ड बाय दिस, उनके छोटे भाई जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे वो इससे बहुत नाराज, इंसेंस यानी कि नाराज हुए। चंद्रा किल्ड शाकास किंग, जिसकी वजह से जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे उन्होंने शाकास के राजा को मार दिया। आफ्टर दैट द सिचुएशन क्रिएटेड एनिमिटी बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर रामा, इसके बाद दुश्मनी हुई किसमें, रामा रामगुप्त और चंद्रगुप्त, इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। चंद्रा फाइनली किल्ड रामा एंड मैरी तूरा देवी, उसके बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने भी अपने भाई को भी मार दिया, क्योंकि वो काफ़ी जेलस फील करने लगे थे रामगुप्त, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे चंद्रगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त सेकंड के लिए, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें मार के और फिर जो उनकी वाइफ थी ध्रुवा देवी उनसे शादी कर ली। फिर हमारा चंद्रगुप्त मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू अ वकाटक प्रिंस ऑफ द ब्राह्मण कास्ट एंड रूल इन सेंट्रल इंडिया, जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने शादी करी अपनी डॉटर प्रभावती की वकाटक के प्रिंस से, जो कि ब्राह्मण कास्ट के थे और जो रूल करते थे सेंट्रल इंडिया पर। फिर हमारा द प्रिंस डाइड एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंग सन प्रभावती, दस बिकेम द वर्चुअल रूलर। उसके बाद में जब प्रभावती की शादी हुई थी वकाटक के प्रिंस से, तो जो प्रिंस थे वो मर गए थे, जिसकी वजह से जो उनका बेटा था जो छोटा था
उसने उसका मतलब रूल था, लेकिन प्रभावती जो थी वो वर्चुअल रूलर थी, आभासी शासक थी, क्योंकि जो फैसले थे वो तो वही लेती थी ना, क्योंकि बेटा तो छोटा था। एज शी प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ हर फादर चंद्रगुप्त, जिसकी वजह से जो प्रभावती थी उन्होंने प्रमोट किया, बढ़ावा दिया अपने पिता को चंद्रगुप्त सेकेंड को। दस चंद्रगुप्त एक्सरसाइज इंडियन कंट्रोल ओवर द वकाटक किंगडम इन सेंट्रल इंडिया, जिसकी वजह से जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे उन्होंने राज किया, शासन किया वकाटक के किंगडम, यानी कि वकाटक पर उनका भी राज होने हो गया था। इन हिज रीजन ही इशू सिल्वर कॉइन्स, अपने शासन काल में उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आपका कोई और भी डाउट है तो आप हमें हमारी सोशल साइट ट्विटर इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक।